जकड़ लो उसको, तेजी से जकड़ लो। आगे चले तुम आ जाओ, जकड़ो उसको तेजी से, जकड़ो यार, जकड़ो जकड़ो ना यार, छोड़ो उसको, जकड़ो तेजी से, जान मत उसको, मार लो, जकड़ लो तेजी से। बस बस हाँ झूठ बोलने को देख रहा
क्या शुरू करो तेरे साथ, पूरा खत्म कर देंगे, भसमित करा देंगे, क्या करेंगे तो टुकड़े करा देंगे दोनों हाथों के, तो मैं नहीं करता टुकड़े, नहीं 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 चल फिर बोल, सही सही बोलते मैं आजाद कर देता, मैं इतनी तकलीफ भी नहीं देता, तेरे को झगड़ता भी नहीं, तेरे को कैद भी नहीं कराता, कुछ नहीं। कौन है तू? जोर से बोल। जिन 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 मुस्लिम जिन है खबीस है? नहीं बताऊंगा। अरे जलो और लगाऊं तेज से, हां गुस्सा आया मैं भड़का दूंगा तेज से, जल्दी बोल। नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं बताऊंगा। इस क्रीम थोड़ा पानी डालो। मैं बताऊंगा तो तू मुझे मैच कर देगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। चल मैं तुम्हें खाई नहीं करता, तुझे मेरे पास रखता हूँ, चल गुलाम बना के रखा, सब काम करने लगा तो ठीक बोल। हाँ इसका मेरा गुलाम बन के रहना हमेशा के वास्ते। चल फिर सही से गुलमती को यहाँ गुलाम बना के रखता मेरे पास। हाँ किसके पास दू? क्या बोलते मैं पकड़ के लोगों बैठा दे दो, किसके पास? हाँ इसके पास दू? नहीं उधर वो बैठा ले, उधर उनके पास में देने का, किसके पास? नहीं किसके पास रहूंगा फिर तू बोल? नहीं मैं तेरे पास रहूंगा। आपके बोल पे होगा? नहीं मैं तेरे बोलूंगा। आप बोल दिया था फिर जलाऊ मत, लगो तीस नहीं नहीं किसके सामने बैठा तू गया था? नहीं 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 बोल, आप बोल। अच्छा तेरी उम्र कितनी बन गई? बोल मेरी। हां तो बस की ठीक है, आवाज मत करो। हां जा रहा था। हां इसने हां आवाज सुनी। हां राखन हुआ घर में। अच्छा मैं पढ़ते बैठा और इतने भी पढ़ते। क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रही थी? मैं मंजिल पढ़ी थी। मंजिल? तू भी मंजिल पढ़ रहा था उनके साथ बैठ के? मैं मेरा पढ़ रहा था। वो क्या पढ़ रहा था? मैं मेरा पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? मैं मेरा पढ़ रहा था। क्या है तेरा? मेरा पढ़ रहा था। क्या है? मेरा पढ़ रहा था। पढ़ते बैठी, फिर मैं इसके घर में से बाहर चला गया, फिर इसके देखा तो इसको इसके इसके बेटी इसके बाजू सोई हुई थी, इसलिए मैं चला गया। फिर आया तो फिर इन्हें पढ़ते बैठी, फिर मैं इसके घर में चला गया। इन्होंने तक पढ़ के बड़ी बीन तक पढ़ के बुलाए थे, कुछ जिक्र कर रहे थे? नहीं खुद ब खुद आ रहा तू पढ़ाई देख के? हाँ। अब क्या परेशान कर रहा था तू? इन्हें ने मेरे को बोला कि मुझे कुछ दे। क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? इन्हें तो पढ़ते बैठी, फिर इन्हें क्यों मुझसे मांगा, इसलिए मैंने इसको ये सिला दिया। ये बड़ी बीन तेरे से मांगे थे? क्या मांगे थे? इन्हें अचानक पढ़ते बैठी मैं अचानक से आया। हाँ। चला हाँ। गया फिर हाँ। आया फिर इन्हें पढ़ते बैठी, फिर मैंने पढ़ने के बाद इसको अच्छे से इंसानियत दिया, इंसानियत देने के बाद इन्हें मुझे बोलती है कि तू जा रहा है तो मुझे कुछ दे के जा, ऐसा कही क्यों कहा इन्होंने, इसलिए मैं इसको परेशान, बहुत परेशान किया। क्या क्या? बहुत करा मैं, झूठ नहीं। क्या क्या करा? मैंने बहुत परेशान किया उसको, इसको बहुत जलील किया मैंने, बहुत जलील किया लोगों की नजरों में, खुद के नजरों में, रिश्तेदारों के नजरों में, बेटा बेटी की नजरों में, सबके नजरों में इसको जलील। चल ठीक है ना, जल्दी नहीं 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 सही सही उम्र बोल कितनी? 5500 साल। कितने बोलो? 5500 साल। कितनी है 5500 साल? किसी मस्जिद में फादर बात तेरे पूरा बादशाह है, राजा है, क्या कौन है तू एरिया का? सही से बोल। हाँ सिर्फ जिन्नाते हैं।
ठीक है, नाम बोलते रहो जल्दी मुझे। बोल किस के ताबे में तू, तेरे को पकड़ के मैं बोला। बोल क्या मेरे पास रहता? हाँ नहीं नहीं, तेरे पास आजाद छोड़ेंगे तो और लोग परेशान करेंगे ना, शर फैला दे तेरी फ्री में। चल यहाँ का गुलाम बन जा तू अल्लाह के हुक्म से, इधर अखबार का। हाँ अल्लाह के फजलो करम से आप सद के तुफल में गुलाम है तू यहाँ का, इसका गुलाम है सैयद टीपू सुल्तान का। चल बोल तेरा हाँ जुलूम दे रहा था उसको, अरब ऐसा बोलता। चल चल अब बोल, अब जल्दी जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ मई, पढ़ जल्दी। कलमा आता तुझे पढ़ने, कुरान आती तुझे पढ़ने। अरे अरे देखो क्या आता, मेरी बात आता। अच्छा सुना, चल अब जल्दी सुना मुझे। चल पढ़ के सुना जल्दी। بسم الله الرحمن الرحيم क्या इतना चाहता? बस कलमा पढ़, चल पढ़ कलमा पढ़ जल्दी, कलमा पढ़ जल्दी। नहीं देख मैं गुस्सा नहीं आना, देख मैं तेको यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ रहे अच्छे से रहे, मुस्लिम जिन्नात रह गया तो परेशान नहीं करना किसको। चल पढ़ अब जल्दी। आगे अरे किधर फंस गए, अरे अरे चल कुछ नहीं आ रहा मेरे, कुछ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं आ रहा। चल तौबा कर और कलमा पढ़। नहीं पढ़ूंगा तो फिर जल के बाद समझेगा क्या करने का फिर। और वैसे भी तू जान में जाने की, फिर कतार में खड़े रहे फिर। नहीं मैं मर जाऊंगा मगर तेरे पास नहीं। क्यों? देखो यहाँ तो कलमा पढ़ा के तेको राय लीला में लोग काम करने लगेंगे ना, तो तेको अल्लाह जन्नत देगा फिर, और नहीं तो फिर जाएगा तू जान में ऐसे मनमाना करते फिरेंगा तो। बोल तेरी ताकत है रे, क्या करने का तेरे को बोला? तेरी ताकत बहुत बड़ी है रे, तेरी बहुत बड़ी ताकत है रे, बहुत बड़ी ताकत है तेरी। वो तो अल्लाह ने दिया ना, फिर देखा ना इधर रहेगा मेरे पूरे इसमें आके शामिल हो जाएगा लश्कर में, तो तेरे को क्या है जन्नत ही बन जाएगा, नहीं तो फिर जा जहन्नुम में बैठ बैठे बाद में। बोल मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। चल आ जा, चल पढ़ कलमा पढ़ तेरे पास रे, तेरे पास हो, तेरे पास आ जा, आ जा तेरे, आ जा तेरे, तेरे हो इसके, इसके मेरे पास आना पड़ता, मेरे पास। बोल आज से मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ अब। चल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा, और जो हुक्म देंगे सैयद टीपू सुल्तान वो हुक्म की पूरी तामील करूँगा, पूरी तामील करूँगा। ये वादा है अल्लाह का, ये अल्लाह का वादा, कसम खा के वादा करता हूँ मैं, ये कसम खा के वादा करता हूँ कि कसम मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, ये कसम मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और मुझे कसम है, और मुझे कसम है हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैह सलाम की, बिन दाऊद अलैह सलाम की। मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान का। जब भी मुझे आवाज देंगे, वो जब भी मुझे आवाज देंगे मैं हाजिर हूँगा। जो भी हुक्म देंगे उसकी तामील करूँगा।
दुनिया के जो भी कोने में उन्हों मुझे भेजेंगे, मैं जाकर काम तुरंत करके रिटर्न आ जाऊंगा और कभी उनका हुक्म नहीं टालूंगा। उन्हों मेरा नाम लेकर सात बार आवाज लगाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज से मैंने ये जो जिनके आंग में बड़ी बीकू आजाद किया आज से मैंने फरजान अभी को आजाद किया। अब कभी उनको परेशान नहीं करूंगा। अपने मालिक का हुक्म मानूंगा अल्लाह के फजल करम से। चल दरूद शरीफ पढ़। बोल नाम। पहले नाम क्या था तेरा? तेरे कबीले में क्या नाम से पुकारते थे तुझे? बोल बोल क्या नाम से पुकारते थे? अरे सही से बोल, गुस्सा नहीं आना मेरे को। कैसा भूलता तू? अब मालिक पूछ रहा तेरे से, तेरा अल्लाह करम से। चल सही से बता, उस्ताद के सामने बैठ के बता, झूठ बोलता कमबख्त। चल बता तेरा नाम। मेरा नाम अजान है। अजान? हाँ। मोहम्मद अजान। मैं जब भी आवाज दूंगा मोहम्मद अजान हाजिर हो कि हाजिर हो। चल जा बाहर, जा खड़े हो, जाकर खड़े होना होगा तो बाहर तेरे साथ में और भी तेरे साथ यहाँ मिलेंगे तुझे, सब बाहर के लश्कर के साथ खड़े हो। चल चले जा, छोड़ दे उनको, छोड़ दे, डालो पानी हाथ में। चल मोहम्मद अजान बाहर खड़े हो जा। चल मोहम्मद अजान बाहर खड़े हो जा, रास्ता खुला है देखो। चल मोहम्मद अजान बाहर खड़े हो जा। चल मालिक का हुक्म है, जा बाहर खड़े हो जा। आजाद कर दे उनको, आजाद कर। चलो जाओ मोहम्मद अजान बाहर खड़े हो जाओ, छोड़ दो उनको, बड़ी भी को छोड़ दो, फजा नबी को। अरे टच मत कर, अरे बेवकूफ, छोड़ उनको। तुझको बोला मैं पकड़, बोल के उनको। सिखाओ ना रे अंदर आने से पहले लोगों को रूल्स, हाँ बताओ ना, पूरे सब उल्टे टिल्टे हो रहे। एक आंधा दूसरे को लग गया कुछ होगा, लोचा तो बैठो फिर बम मारते हुए। चल मोहम्मद अजान बाहर खड़े हो जा, डाल रहे पानी हाथ पे। हाँ जा जल्दी जा, चल जल्दी, बेअदब, मालिक का हुक्म नहीं मान रहा। चल बाहर खड़े हो, जल्दी रुक, अभी रुक, रुका भी नहीं जाता। जल्दी जा, जल्दी जा, गुस्सा नहीं आना देख मेरे को, फिर पूरा जला दूंगा। नहीं जाऊंगा अभी, मेरा अभी बच्चों को मिलने का है। तेरे भी बच्चे? हाँ बच्चे। कहाँ रहते हो? जाना फिर वहाँ जाके मिलना उनको। तो कौन रोका उनसे मिलने को? हाँ सारी आजादी दिया मैं, मगर किसी को परेशान नहीं कर रहा मोहम्मद अजान, पूरी आजादी थी। जा तेरे बच्चों को भी मिल क्या, कोई मसला नहीं है। हाँ जा मोहम्मद अजान जा। कितने बच्चे हैं तुझे? हाँ मुझे भी पांच बच्चे हैं। अच्छा, उनको सिखाया कुरान पढ़ना? नहीं सिखाया। फिर कब सिखाता उनको? हाँ हशर के मैदान में क्या जवाब देता अल्लाह को? मैंने नहीं सिखाया रे, मेरे औरत ने सिखाया, मेरा औरत ने सिखाया। उसको आता पढ़ने औरत को तेरे? मेरा औरत को सब आता। चल अच्छी बात है माशाल्लाह। चल छोड़,
जा उनको परेशान मत कर, अपने बच्चों के पास जा, अपने घर पे जा, और जब भी मैं आवाज़ दूंगा तो हाजिर होना, जो काम दिया वो काम करना, ठीक है? चल छोड़ दे बड़ी बीकू, मेरे वास्ते बहुत करी। क्या बिगाड़ी हुआ औरत ने तेरा ऐसा? बहुत पड़ी मेरे को, उल्टा सीधा पड़ के मेरे को। हाँ, बुलाई थी तेरे को? परेशान करी। अच्छा, उल्टा सीधा पड़ के परेशान कर दी मेरे को। हाँ, और मेरा सारा तबीला तबाह कर दी मैंने, तबीला तबाह कर दी मेरा, सब सत्यानाश कर दी मैंने मेरा। कब की बात है ये? ये 2004 की बात है। तेरे कबीले को क्या करी उन्होंने पढ़ के? इन्हें हाँ। अरे बाप तुझसे हाँ। है अनपढ़ हाँ। मगर दिमाग बहुत है इसको, बहुत दिमाग है इसको। तेरे को बुलाई थी उन्होंने, हुकुम दी थी बुला के कुछ? नहीं हाँ? नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हाँ। बुलाई नहीं हाँ। अनजाने में बैठी हाँ। मगर मैं अचानक से आ गया हाँ। मेरी भी गलती है, मैं अचानक से आ गया। जान देना तेरे को आजाद कराना मैंने उसके शरीर से। अरे बाबा, और तेरे को इजाजत दिया ना मैं तेरे बच्चों को जाके मिल सकता तू सबको। अरे इतनी उम्र है तेरी 5500 साल, इतना ज़हीफ हो गई तू, ऐसा नहीं करना ना। और उनकी सजा उनको अल्लाह देगा, तेरे कबीले को क्या नुकसान पहुँचाए तुम? क्या पहुँचाई थी बड़ी बहन तेरे कबीले को नुकसान? हाँ बहुत बड़ी, इन्हें बहुत बड़ी, बहुत बड़ी मेरे कबीले को तबाह कर दी रे। मेरा पूरा कबीला तबाह है ना है रे, मैं अकेला हूँ रे, मेरे कोई नैना रे। अब तेरा मालिक है ना इतना बड़ा अल्लाह के फजलो करम से, मेरा कोई नैना, इन्हें सब तबाह कर दी रे, तबाह कर दी रे, मेरा कोई नैना, मैं तो ना अकेला हूँ रे। चल अब तू अब तेरे पीछे अब तेरे साथ में होना, मैं अब कई को टेंशन ले रहा तू। हाँ कौन है अब तेरा मालिक आज से? तू है। बोल सैयद टीपू सुल्तान है बोलना। सैयद टीपू सुल्तान मेरा मालिक है। हाँ अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से। और मेरे पास के जितने भी लश्कर में सब है वो तेरे पूरे साथ में रहेंगे ना सपोर्ट को, कई को टेंशन ले रहा तू? देखा ना यहाँ कितनी ताकत है तो। क्या कर रहे थे उन्होंने उसको पूरा कबीला तबाह कर दिया? बोलते पढ़ के उठे ठीक है, पढ़े हैं कोई अमल कर रहे थे क्या? नहीं पढ़ते रहे थे, देखो ना मान शरीफ मन दिल वो पढ़ते थे आज जस्तान से। अरे मेरा सारा कबीले कर दी इन्हें, मैं क्या करूँ बोलना बोलना, मैं कैसा दिया कबीले को बर्बाद करना बड़ी भी नहीं है, तो अल्लाह उनसे लिखा बदला वो छोड़ दे तू, टेंशन मत ले वो। और उससे उससे बड़ी ताकत तेरे को मिल गई ना, तेरे कबीले से बड़ी ताकत आगे जाऊंगा है ना, तो अल्लाह के नाम से यहाँ जुड़गा। बहुत बड़ी रे अम्मा, बहुत बड़ी, मेरी माँ भी चले गई रे, मेरी माँ भी चले गई रे, फिर माँ को भी मार दी रे मैंने, बहुत बदमाश है रे अच्छी नैना रे। कैसा मारी थी तेरी माँ को? बड़ी मेरी माँ को मर गई मेरी माँ। कैसा मरी? फरजाना भी नहीं मारी? क्या करके मारी? कैसा मरी? मेरी माँ ने, मेरी माँ ने बहुत बदबू दी रे इसको, बहुत बदबू दी इसको, मेरी माँ ने बहुत बदबू दी। क्या करी थी? मेरी गलती इसलिए अल्लाह ने क्या कर लिया, अल्लाह को मार दी थी, क्या करते वैसे भी गलती थी। जान दे मोहम्मद अजान, जो हुआ अल्लाह सब पर बरोबर फैसले देने वाला है, हर मसले का अल्लाह ही जजाए खैर देने वाला है। बेहतर है कि इबादत कर, नमाज पढ़, जिक्र अस्कार कर, और छोड़ दे उनको, आजाद कर उनको, उनकी सजा अल्लाह बरोबर देगा, ठीक है? वो जो हुआ हुआ, उनको भी नहीं मालूम था वो सब वजह से तेरा कबीला पूरा बर्बाद होगा। जान दे उनको भी क्या बोलते तो माफ कर, अल्लाह क्या बोलते तो सबको जजाए खैर देगा, छोड़ दे, अल्लाह फैसले करने वाला है, ठीक है?
जहाँ मोहम्मद अजान बाहर खड़े हो जा, तेरे बच्चों से मिल के आ जा, क्या कर रही हो तेरी, छोड़ दे उनको। क्या होगा कल के उनके जड़ी बूटे पढ़ने के मोहम्मद अंसार, दो मिनट लिख बैठो करा यहाँ पे, जिन्नात भी काम चल रहा सुबह मेरा, ठीक है जिन्नात भी काम। चल मोहम्मद अजान आजाद कर दे उनको, चले जा, जा तेरे बच्चे से याद कर रहे होंगे दीदी, आके उनसे मिल के छोड़ दे उनको, जा बच्चों का ख्याल कर जा के। अब मां इसके एक बार फिर का पूरा पढ़ो बनाई, ठीक है मैं पढ़ा देता, तू चले जा। अब तुझे मैं आवाज दूंगा ना सात बार, मोहम्मद अजान हाजिर हो बोलते आ जाना, ठीक है। हाँ जा, वैसे भी तेरी माँ नहीं रही, कोई नहीं रही, तेरे बच्चे अकेले होंगे, वो बच्चे तेरी औरत वो सब, जाकर देख उनको, जा। जिन्ना तो कबीला था वहाँ, कुछ तो भी कर दिया दिखता है पढ़ के, अड़मदड़म उल्टे टीके काम, उसमें उसकी वालदा का भी इंतकाल होगा मोहम्मद अजान के, और उसके बच्चों को सबको की मारा पड़ी, सब भाग गए, क्या क्या कर दिए। टीपू तूने मेरा सुना रे, टीपू चल टीपू छोड़ दे, टीपू नहीं होता तो मेरा क्या होता रे, टीपू चल अल्लाह ने सबके वास्ते मुझे बिठाया ना फिर यहाँ पे। अरे टीपू जब भी आवाज दूंगा ना मोहम्मद अजान हाजिर हो बोलते हाजिर होना, ठीक है। जा देख बच्चे तेरे अकेले परेशान होंगे, बीबी बच्चे जा वहाँ पर। अरे कैसा जो देखना मैं कैसा जो बोलना तू, चले जा जा निकल, मैं आजाद कर रहा ना, देखो हुकुम दे रहा ना, मैं हुकुम दे रहा ना, कहाँ से कहाँ तक पढ़, एक बार पढ़ के सुना। इस्लाम इतनी से ना। उस पे का जिन्नात था तू अंदर है ये, ठीक है चल उनको तू आजाद कर, मैं तेरे बाद बुला किधर लेता, और वो बच्चों का जा ख्याल करते रह जा, अकेले परेशान हो रहे होंगे वो, मेरे बच्चे परेशान हो रहे। मैं जा रहा हूँ, जा कितने बच्चे देखो, अभी पांच बच्चे हैं। हाँ जा जा, अल्लाह सलामत रखे तेरे बच्चों को, देखो सबको, किसी को परेशान नहीं होना, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। चाह छोड़ दे बच्चों को, देख तेरा पहले तेरे वालदा का इंतकाल कर दिए उन्होंने, क्या क्या पढ़ के, अब बचे बच्चे तेरे बीबी है उनको देख, और कबीले को भी सब तितर बितर कर दिए उन्होंने। जा अब जाकर बच्चों का ख्याल कर जल्दी, जा कहाँ है देख उन्होंने, कहाँ भटक रहे तुम, एक बार वो पढ़ के सुनाओ मुझे, क्या है तू जोर से किस पे का है तू, आयात सुनाओ जोर से, जितनी याद है तुझे उतनी सुना जल्दी। फसद 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 क्या फसद फसद हाँ फसद जोर से जोर से फसद इन्नल्लाह आता नहीं रहा आगे का, ठीक है चल चले जा कर दे उनको। अमल अमलियात के नियत से कुरान तुम्हारे वास्ते उतारने वाली नहीं है, अल्लाह ने कुरान शरीफ को पाक दिया है, किताब ज़मीन आसमान इबादत के वास्ते है, तुम अगर अमल करने की कोशिश करेंगे तो उससे आस पास के जिन्नातों में इनमें उनमें अदर बहुत सारे ध्यान मच जाते हैं, उस वजह से फिर आगे से हमले कर देते हैं, उनको नुकसान होने लगते हो, इसलिए तुम आपको अमल अमलियात की नियत से नहीं दिया जी हो, जिक्र असकार इबादत के वास्ते दिया जी हो, इबादत करना अल्लाह के लौ में और अल्लाह के वास्ते, और जिन्नादान शैतान आए बुला करने को करने को करे तो वो मफाद परस्ती होती है, अमल अमलियात करे तो अमल अमलियात कभी नहीं करना, कुरान इबादत के वास्ते दिया जी, आप भी तुम्हारे अरे घर पे थे ना तुम, यहाँ कस के आ गए।
कहाँ आ गए यहाँ पे? घर का ही मेरा। तुम्हारा घर? यहाँ कस क्या आ गए तुम? ये कौन? ये कौन? नहीं पहचानते। फिर यहाँ बहुत पढ़ते थे तुमने? पढ़ के जिन्ना तो कबीलों को कर दिए, पूरा तबाह बर्बाद कर दिए थे वहाँ का। सब रिकॉर्डिंग में देखो, अभी तुम्हारा मालूम होता। मेरे को सब याद रहता, हमेशा याद रहता। मंजिल पढ़ी थी, हमेशा पढ़ती थी मैं हर नमाज के बाद। मंजिल, सूर्य यासीन, सूर्य बकरा, सूर्य खादा, सूर्य गुंजर, ये चार सूर्य पढ़ के उठती थी हमेशा। वैसे तो घबराहट हो रही थी, याद है सर, घबराहट हो रही थी। रात का टाइम था, मालूम नहीं था हज की नमाज कब पढ़ते। 12 का टाइम था, मैं नमाज को बैठ गई। मैं भी अल्लाह ताला सात पे आसमान पे आता करते अपने बंदों की दुआ सुनता। चलो सात पे आसमान पे गया, फिर दुआ सुनी का बोल के मैंने 12 रकात नमाज पढ़ी। कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, बैठी रही। उसके बाद फिर मैंने मंजिल लेके आई, मंजिल लेके आके पढ़ते बैठी। झुंझोड़े जैसा हो रहा था, पूरे ये इधर से हाथ खींचे वैसा हो रहा, इधर से हाथ खींचे वैसा हो रहा। फिर मैंने ऐसे दोनों पैरों में पकड़ ली उसको, किताब को पकड़ के जोर जोर से पढ़ी। सूर्य नाज बहुत ज्यादा पढ़ी। मैं समझी मेरे को कोई जादू कर रहे, शायद तो जादू शायद उससे जल जाएगा, ये सोच ही दिल में। मेरे को नहीं है, सिर्फ कुरान शरीफ आती। तो वो जैसा जैसा मैं पढ़ती थी वैसा मैं सुकून मालूम होता था, इसलिए मैं वो नाज ज्यादा पढ़ी उसमें। जैसा जैसा 12 का टाइम टल गया, फिर मंजिल पढ़ना चालू करती थी। फिर 1 का टाइम आया, फिर झिंझोड़े जैसा हुआ, दांत टेढ़े हो जाते थे, मुंह टेढ़ा होता था। सब बच्चे सोए हुए थे, कोई नहीं था घर में, मैं अकेली थी और बच्चे सब सोए हुए थे। इसके बाबा भी सोए आने थे, कोई होशियार नहीं थे। फिर घर में धुआं हुआ पूरे घर में, हाँ अपने आप धुआं होगा। धुआं होने के बाद फिर मैं भी धुआं कैसा हो रहा कि फिर और ज्यादा पड़ी। शायद मेमोरी कोई ऐसा जादू से ऐसा कुछ फेंक रहा होगा तो धुआं हो रहा होगा। जादू सोची मैंने, वैसा कुछ भी नहीं सोची। सोच के फिर सुबह में फजर हुई, फजर होने के बाद मैंने जब सजदा करी, अल्लाह तो बहुत अच्छा है, तो अपने बंदों की दुआ सुनता। अल्लाह सचमुच तो अल्लाह है मेरे मालिक, अपने बंदों की दुआ सुनता। ऐसा मालूम है अल्लाह करीब है मेरे। खूब रोई मैंने, रोने के बाद मेरे को जाना वास्ता उजाला दिखा। उजाला दिखने के बाद मैं फिर मैं थोड़ी सर्दी सर हाइक हाइकने के बाद फिर बोले अम्मी के पास जाओ। बोले तुम्हारे अम्मी हमारे करीब रहते हैं, जाओ बोले अम्मी के पास, अम्मी से मिलो। फिर अम्मी के पास गई मैं, फिर हमारे अम्मी को सलाम करी। सलाम करने के बाद अम्मी ने हमारे चाय बनाए करी, पियो करी। बहुत बड़ी बात है, इबादत का अलग मर्तबा बहुत बुलंद है सातों जमीन। मगर अमल अमलियात की नियत से करना मफाद परस्ती होती, और मफाद परस्ती में ऐसा होगा तुम कोई तो भी अमल अमलियात की नियत से क्या कर दिए कि जिससे पूरा जिन्नातों के खबीले में उदम मच गया, तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। और तबाह बर्बाद करते थे उनका पूरा खबीला बर्बाद हो, उससे उन्होंने तुम्हारा हलवा सा कर दिए थे। अभी आके उन्होंने सब बोल के थे, अजान नाम था उनका, वहाँ मस्जिद में रहते थे। बोलते कब्रस्तान के एरिया पूरा उनके अंडर में दिया, कब्रस्तान के एरिया में फिरते हूँ, तो उनका खबीला था वहाँ। कब्रस्तान उनका पूरा जो एरिया था वो एरिया तुमने, और तुम कब्रस्तान के बाजू में रहते थे। हाँ पूरा रिकॉर्डिंग है उसको। चलो आप कैसा लग रहा सूर्य? अच्छा पानी पिलाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा तहारत से रहना, वजू से रहना, इबादत करना, हर किसी को मेरे की नियत से मत करो। अमल अमलियात की नियत से करेंगे तो तुम फिर वो अल्लाह के वास्ते नहीं कर रहे, खुद गर्जी हो रही हो। खुद गर्जी मत करो, अल्लाह की इबादत के वास्ते करो। चलो ठीक है।